गुड मॉर्निंग। भंडारा जल्दी समाप्त करें, आस पड़ोस वाले समाप्त करवाने में सहयोग करें। पढ़ाऊं? वेरी गुड। आशा भरी ने गांव से मेरी तरफ ना देखो, मैं तुम्हारा भंडारा खत्म नहीं करवा सकता। मेरी तरफ देख रहे हैं, बोला हमारे पड़ोसियों के बस की कोना जी, आपका ही पेट ठीक दिख है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे नई बोतल नहीं मिलेगी, नई बोतल लेने के लिए ऐसे पकड़ के ऐसे उठा के ऐसे खींच के मारना पड़ेगा। नहीं भाई, जिसको नई बोतल लेनी हो तो ऐसे खींच के मारा करो, किसी के सर पर नहीं मारना, अपने पैरों पर मार सकते हो बस। अब मैं पढ़ाऊं? इस सवाल को एक बार पढ़ के दिखाओ। सबको आता है? Yes, A का एक दिन का काम तुम्हें बताना पड़ेगा, एक बटा बी का सी का। एक बार पहली लाइन दोबारा तेज आवाज में पढ़ते जाना, इस पे देखते जाना। बीडीपी कराने वाले जल्दी जल्दी चले। आज तो इसका भी काम वहां बनाया। पहली लाइन दोबारा तेज आवाज में पढ़ेंगे। ऐसा लिखें तो क्या लिखना समझ में आया? जो लिख रखा उसका रेसिप्रोकल। ए काम को 15 दिन में तो एक दिन काम, बी काम को 20 दिन में तो एक दिन काम, सी का एक दिन काम, जो लिख रखा उसका रेसिप्रोकल। सब को आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एलसीएम 15 से 60 को भाग करेंगे 4। कितने दिन में? 5 दिन में। सबको आ रहा समझ में? तू अकेला बीडीपी बता, इधर मेरे पास। इधर इधर, क्या नाम है तेरा? आशीष। देखिए बटन है, ऐसे तो तू एक और खोल लेगा। यू क्यों पर रखा है? कर देगा? हाँ, ये बिना बात की चीज मत पर रख रहे। हाँ, ये चला कर दोनों ना भी ना रहा। इतनी बात तक क्या करता ऊपर? लड़कियां वाले कमरे में नहीं लिखा पावर, सोनू आई लव यू। अरे तू लिखा आगे, और कौन सा लिखा है? जो नहीं कला रहे वो इधर लिखेगा। आज बात मत लिखिए। ये सवाल किसको नहीं आया? बड़ा अच्छा हुआ। क्या लिखूं? 1/30 जमा एलसीएम। किसको नहीं आया? सबको? कोई डाउट है? बहुत अच्छी बात है, एक बार पढ़ के दिखाएंगे। तुम दोनों को आता है? क्या लिखें बताओ? सबको आता है? एलसीएम। किसको नहीं आया? क्लियर ना? आगे बढ़ूं? वेरी गुड। देखो सिर्फ सवाल आना नहीं चाहिए, हमें फील भी होना चाहिए हमें आता है ना। आधे लोग फील नहीं करते, फील करना बहुत जरूरी है, हमें फील होना चाहिए हमें सवाल आता, फिर हमें फील होता हम इंटेलिजेंट है। ऐसे फील करते हो?
तुम में से कौन कौन फील करता है हम इंटेलिजेंट है? हाथ दिख रहे हैं, बोला कदे हाथ ऊपर कर बुला ले। चलो कोई बात, ऐसे फील करो हम धीरे धीरे इंटेलिजेंट हो रहे हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं है। ऐसा फील करते हो या नहीं फील करते? करते हैं, वेरी गुड। ऐसे फील करना चाहिए हम धीरे धीरे इंटेलिजेंट हो रहे हैं, है ना? वेरी गुड। इसमें तो दिक्कत नहीं? वेरी गुड। हर रोज एक आधी बात तो सीखे जाते ही होंगे। कुछ लोग दो चार सीख लेते होंगे, एक आधा बच्चा ऐसा भी होगा जो दस एक बातें सीख लेता, हाँ या ना? ऐसे कितने जो एक भी बात नहीं सीखता, पहले जी सा था उस आए पीटी करते थे, पीटी पीटी करने में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ सात छः पाँच, है ना, चार तीन जैसे थे, आखिरी में होता दो एक नहीं होता, बोला जैसे थे, हाँ या ना? ऐसे कितने लोग होते जो जैसे थे? महान आदमी होते सबको आया? क्या लिखूं? ऐसा कौन है जिसको ये लिखना नहीं आता? सबको आता है, बताना क्या लिखूं, जल्दी बोलो। अब जो आएगा इसका तीन सही, तीन बटे सात दिन। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना, किसको नहीं आता? सबको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या कर रहा है तू? नीली चेक वाला पीले के ठीक पीछे, कुछ नहीं, खड़ा हो, इसकी शक्ल देखो, शक्ल भी ऐसी नहीं, सिर्फ कुछ होगा ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं क्यों कर रहा है तू? तेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत से तेरे को पैदा किया। खिला पिला करके बड़ा किया, अब उनका नाम डुबो रहा है यहाँ क्लास में बैठ के, बोला कुछ नहीं कर रहा है, शक्ल भी इसी बना रहा, बोला कुछ नहीं कर रहा, अपने इंदा तनखा काट रहा, कुछ नहीं कर रहा। अब सवाल करना ध्यान से, अब की बार से पूछूंगा ना और ये बताया कि कुछ नहीं कर रहा, तो फिर देखना यहाँ बुला के इज्जत बढ़ाऊंगा तेरी। बैठ जा, बुरा मानेगा थारे तय, मेरे तो मान नहीं रहेगा, मैं के फ्रूटी हूं तो सबकी पसंद आऊंगा। फ्रूटी हूं मैं, अर्जुन पियोगा बोला हाँ मजा आ गया। क्यों यार, ना कुछ तो यार है, आड़ बुला लूंगा देख ले, नीचे मुकर के बोला ना देख ले। हाँ देखो, बहुत आसान सी सिंपल सी बात समझा दो, बहुत सिंपल सी बात। कुछ लोग होते हैं अच्छे और कुछ लोग होते हैं गंदे, कितने टाइप के? पहली टाइप के, दूसरे। इसका क्या क्राइटेरिया कि कौन अच्छा कौन गंदा? एक जना बता दो जिसको बताओ। नेचर पेचर कुछ नहीं होता, फालतू की बात है, बोला नेचर ये जो, देखो मेरी बात सुनो, ये पता नहीं होता, दिक्कत यही है। ओ भाई तू उसके कान में मत बोल, तुम्हारी लाइन का पहले ही पिटने में नंबर है। एक जना तो दूसरे कान में बोलता रहेगा ना, वहां झंझट है। ये पता नहीं होता और ना कोई सिखाता। अगर किसी के घर वालों ने ये लाइन सिखाई हो ना कभी, तो मेरे को बता दो कि गंदे आदमी कौन होते हैं और अच्छे कौन? आज तक तुम्हारे घर वालों ने, टीचर्स ने, दोस्तों ने या कहीं पर भी ये टॉपिक तुम्हारा रहा हो तो मेरे को बता दो। इसको कुछ अच्छा लग सकता है, इसको कुछ अच्छा लग सकता है, इसको कुछ अच्छा लग सकता है, उसको कुछ अच्छा लग सकता है। इसने व्हाइट कलर पहना, इसने ब्लू पहना, इसने फिर व्हाइट पहना, फिर ब्लू पहना, उसने चेक पहना, उसने येलो। ऐसा होता ही नहीं कि हरा पहनने वाला अच्छा। मैंने ऐसे नहीं कहा, इट इज मैटर ऑफ चॉइस, हाँ या ना? अब किसी के सींग है, किसी के नहीं है, किसी की पूंछ है, किसी की नहीं है, इससे फर्क पड़ता ही नहीं है। कैसे पता चले कौन अच्छा और कौन गंदा? मेरी बात सुनना जरा, अच्छा कौन होता है? जो जैसा फील करे वैसा बोले और वैसा करे तो वो अच्छा आदमी होता। जो आदमी, तुम क्या बोलते हो इस बात पर, सही बात कह रहा हूँ गलत? आ रहा है समझ में? अब दूसरी बात बोलता हूँ, गंदा आदमी कौन होता है? मन में कुचल रहा है, बोल कुछ रहा है और कर कुछ रहा है, हाँ या ना? मन में कुचल रहा है और बोल कुछ कर रहा है और कर कुछ रहा है, ऐसा करने वाला आदमी? मैं गलत कह रहा हूँ सही? अच्छा आदमी कौन होता है? जो मन में हो वही बोले और वही करे तो कैसा आदमी? और गंदा आदमी कौन? गलत कह रहा हूँ सही? पक्की बात? वेरी गुड। ये अच्छे आदमी कहलाते हैं, गंदे आदमी जो मैंने बता ही दिया। अगर तुम्हारा दोस्तों का सर्कल अच्छा हो, क्या अगर तुम्हारे दोस्तों का सर्कल
हाँ या ना? Yes, तो दोस्तों के घर में एंट्री हो सकती है, घर में आ सकते हैं, जा सकते हैं। तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारे आगे तुम्हारी बहन को बहन बोलता है और बहन की तरह ट्रीट भी करता है, मन में भी बहन मानता, बोलता भी बहन है, बहन की तरह ट्रीट करता है, तो अच्छा आदमी गंदा। अब गंदा आदमी कौन? मुंह पर तो बोलेगा बहन और नीचे नीचे निगाहें गलत, तो क्या कहलाएगा? गंदा। एक चुटकुला सुनाता हूँ, इसका सत्य घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। चुटकुला सुनाऊं? एक लड़के की शादी हुई सुंदर सी लड़की से। अब उसकी शादी हुई तो कुछ उसके दोस्त उन्होंने कहा कि हम तेरे घर आ रहे हैं भाई, चाय पानी पियेंगे, भाभी से मिल के आएंगे। हाँ या ना? तो जैसे ही उसको पता चला कि हम तेरे घर आ रहे हैं, कभी भाग के उठा करके एक चीज रख रहा, कभी दूसरे को रख रहा, कभी तीसरी चीज को रख रहा, जो डेकोरेट कर रखा था अपना कमरा, तो सारी चीजों को उठा उठा के छुपा रहा और भाग भाग के कह रहा कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, सामानों को उठा उठा के रख दे। हाँ या ना? जैसे तुम नहीं समझ पा रहे ना, तो वैसे ही वो उसकी पत्नी भी नहीं समझ पा रही थी, बोला क्या हो रहा है? तुम समझ गए? वेरी गुड। हाँ, कुछ विशेष लोग ही समझ सकते। अब वो एक दोस्त के घर गया तो वहां से अच्छा देखा कुछ सामान, ला का अपने घर सजा रहा। दूसरे घर गया, वहां से कुछ उठलाया, तीसरे घर से कुछ उठलाया। अब वे दोस्त आएंगे तो आते ही पहचान लेंगे। हाँ या ना? उन्हीं के घर से चोरी कर करके ला ला के रख रखा था, उसको छुपाना पड़ रहा था। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो उस आदमी को क्या कहेंगे? आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? आ रही है। जिनकी घर में एंट्री होने पर दिक्कत होती हो ना, तो ये गलत काम है। और जिनकी एंट्री होने पर आप कॉन्फिडेंट हैं कि कोई दिक्कत नहीं, फिर सही है। आपका सर्कल अच्छा या गंदा चेक करना चाहिए। अगर आप अच्छे सर्कल में रहते तो आपका पर्सनैलिटी भी अच्छी, और खराब तो खराब। हाँ या ना? जो सोचो वही बोलो और वही करो, देखना तुम्हारे अंदर चेंज आ जाएगा बहुत जल्दी। तुम बहुत अच्छे आदमी बन जाओगे बहुत जल्दी, और सोचोगे कुछ, बोलोगे कुछ, करोगे कुछ, दिक्कत। हाँ या ना? पढ़ाएं आगे? वेरी गुड। तेज आवाज में पढ़ना है। ए और बी का एक दिन का काम, जिनको पास होना उनको बोलना थोड़ी तेज है। बी और सी का एक दिन का, सी और ए का आया। एलसीएम, एलसीएम क्या क्या लिखूं? और सारे इकट्ठे लगाएंगे तो ये काम होगा? कितना काम हो गया? क्या लिखूं? कितने से कट रहा है तो क्या लिखूं? 3/3। इसमें ए ने एक दिन काम किया या दो? कितने दिन? आ रहा है सबको? तो दो दिन में काम ये डबल है या आधा? एक दिन करने के लिए डबल या आधा? आधा करने के लिए ऊपर गुणा करूं या नीचे? तो क्या बनेगा? एक दिन काम 3/3। कितने दिन में काम पूरा होगा बोलना पड़ेगा? 80/। आ रहा है समझ में? का मतलब जो मैंने कहा था याद करना, याद किया? 10/3 क्या होता है? 10/3 क्या होता है? कितना होता है? 10/3 क्या होता है? 3 integer 1/3 बोलो क्या? बैठो। 3 integer 1/3 बोलो। 20/3 क्या होता है? 6 सही 2/3। 6 integer 2/3%। आ रहा है समझ में? परसेंट नहीं, 6 integer 2/3, 6 सही 2/3 सबको आ रहा है। 30/3 क्या होता है? कितना? 40/3। 13 सही 1/3, 13 integer 1/3। आ रहा है सबको? 50/3 क्या? 16 सही 2/3। दोबारा बोलो। 16 integer 2/3 परसेंट तो परसेंट नहीं तो वैसे 60/3, 70/3। जो याद करना हो ना उसको 10 बार लिख लिया करो घर, जो मैंने लिखवाया और तुम्हें नहीं आता, घर जाके 10 बार लिख लिया करो। ऐसा करने से फिर वे बातें याद हो जाएंगी। हाँ या ना? आ रहा समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा? क्या लिखा? क्या लिखा? पहला शब्द क्या है? ये व्हाट नहीं होता, व्हाट क्या है? व्हाट इज लर्निंग? दोबारा बोलना। व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग क्या है बताना जरा, लर्निंग क्या है बोलना। What is learning? Change in behavior is called? आ रहा है समझ में? एक छोटा सा बच्चा हो और घर में खेल रहा हो, एक ततैया, वो पीली सी भेड़ होती है भेड़, उसकी पंख टूट जाए, नीचे गिरी हो, उसको देख के हाथ वाथ लगाए,
हाँ या ना? तो उसको बड़ा अच्छा एहसास होगा। एक पीली सी भेड़ सबने देख रखी है, अगर बच्चे को काट ले, पहले दिन तो उसके साथ खूब खेलेगा जब तक वो काटेगी नहीं, काटने के बाद दो तीन दिन बाद एक और भेड़ गिर जाए और वो वहीं बैठा हो तो? मैंने जो बोला थोड़ा सा समझ में आया? क्या हुआ? चेंज इन बिहेवियर। क्या हुआ? चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। बोलो तेज बाद में। ये क्या लिखा? कितना होता है? ये क्या लिखा? क्या होता है? ये क्या लिखा? क्या होता है? किसको नहीं आया? ये क्या लिखा? कितना होता है? ये क्या लिखा? ये क्या होता है? सब आ रहा है। ये क्या लिखा? क्या होता है? कितना? अब भी नहीं आ रहा। बड़ी अच्छी बात है ये तो। ये क्या लिखा? कितना होता है? ये क्या लिखा? जल्दी बोलो। ये क्या लिखा? ये क्या होता है? कितना? और ये क्या लिखा? और ये क्या होता है? आया? एक बार जल्दी जल्दी पढ़ना सारा। तू तेज बोला कर। तू इस हाथ को अगर मुंह के पास ले गई ना आपकी बात करते। तू क्यों नहीं बोल रही? बोल रही है। मैं क्यों पूछ रहा हूं? बोला तो आपको दिखता कम है। एक बार और बोलो जल्दी से। पश्चिमी बंगाल का नाम सुना है? पश्चिमी बंगाल के किसी जिले का नाम जानते हो? बताओ। दार्जिलिंग लिख देता हूं। इसके किसी गांव का नाम जानते हो? मैं भी नहीं जानता। तुम लोगों में से किसी एक आदमी की नौकरी लगती है पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग शहर के किसी गांव में कैंप है, जैसे हरियाणा के सोनीपत जिले के खेवड़ा गांव में सीआरपीएफ का कैंप है। आ रहा समझ में? अब जो लोग यहां के हैं वो हरियाणा को भी जानते हैं, सोनीपत को भी जानते हैं और खेवड़ा को भी जानते हैं। अब जो हिसार के हैं वो खेवड़ा गाँव को नहीं जानते। हिसार में सरसोद एक गाँव है, कितने लोग जानते हो? एक ने हाथ खड़ा किया। वो वहीं रह के आया होगा या इसका मामा वहां होगा? मैं आगे बढ़ूं क्या? Yes, बोलो ना। Yes, ऐसे किसी अननोन जगह पर तुम्हें जाना हो, तुम्हारी नौकरी लग जाए, तुम अपने घर से जाओ तो तुम्हारे घर वाले बहुत सूचनाएं देंगे तुम्हें। जो कभी घर से बाहर नहीं निकला ना वो भी तुम्हें सलाह देगा, भाई साहब ध्यान से जाना, मैंने सुना है वहां मामला गड़बड़ है, ज्यादा सेफ नहीं है, कभी किसी का दिया हुआ बिस्कुट खा ले वो नशा का सामान मिला के तेरे सामान को लूट ले जाए। हाँ या ना? Yes, sir। तुम कहीं पर ऐसे बाहर जाओगे कौन सलाह नहीं देगा तुम्हें? और तुम्हारे मन में कितने सवाल होंगे? बोलो ना। बहुत सारे। तुम बहुत सारे सवालों के साथ एक रास्ता ढूंढोगे कि यहाँ से जाना है दिल्ली, दिल्ली से जाना है कलकत्ता, कलकत्ता से जाना है दार्जिलिंग। अब दार्जिलिंग जाके पूछेंगे गाँव किधर? मैंने जो बोला यही रास्ता है। थोड़ी तेज बोलो। सब कुछ बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। फिर तुम वहां जाओगे, ज्वाइनिंग करोगे, 10-5 दिन अपनी नौकरी करोगे, फिर तुम्हें छुट्टी दी जाएगी, तुम अपने घर आओगे, फिर तुम दूसरी बार जाओगे। जब तुम दूसरी बार जाओगे तो उतने ही सवाल होंगे और उतनी सलाह सुझाव लोग तुम्हें देंगे या कम? उतने ही तुम्हारे मन में क्वेश्चंस होंगे या कम? तुम दूसरी बार जाओगे, फिर वहां 2-4 महीने नौकरी करोगे, फिर वापस आओगे, फिर तीसरी बार जाओगे तो तुम्हारे मन में उतने ही सवाल या कम? तुम्हें शिक्षा जो मिलेंगी वो कम या ज्यादा? ज्यादा शिक्षा मिलेगी, ज्यादा बताएंगे। पहले तो घर वाले जानकारी देते, फिर गांव वाले भी देने लग जाएंगे, अंत चाहिए भाई है? फिर चौथी बार जाओगे तो सलाह सुझाव ज्यादा मिलेंगे या कम? पांचवी बार जो मन में सवाल है वे कम हो रहे हैं ज्यादा? आ रहा है समझ में? जब तुम 10वीं बार जाओगे तो क्या तुम्हारा बिहेवियर पहले वाले जैसा होगा?
मैंने जो कहा समझ में आया, कौन आदमी ऐसे जाते हुए रट के जाएगा कि मैं अपने घर से निकलूंगा, फिर मैं ऑटो पकड़ूंगा, फिर मैं स्टेशन पर जाऊंगा, फिर मैं ट्रेन पकड़ूंगा, ऐसे नोट्स बना के कौन याद करेगा, फिर मैं दिल्ली स्टेशन पर उतरूंगा, फिर वहां से ट्रेन पकड़ूंगा, फिर मैं कलकत्ता उतरूंगा, फिर वहां से बस पकड़ूंगा, फिर दार्जिलिंग जाऊंगा, फिर वहां से ऑटो पकड़ूंगा, फिर वहां जाऊंगा, कौन नोट्स बना के याद करेगा। जो चीज हमने देखी सुनी नहीं होती, हमें कुछ नहीं पता होता, उसको एक बार सुनना है, फिर सुनना है, फिर सुनना है, फिर सुनना है, फिर सुनना है, ये होती लर्निंग। क्या होती है? जो लोग दिल्ली नहीं गए हैं, ऐसे तुम्हारे में से बहुत सारे लोग होंगे ना जिन्होंने राष्ट्रपति भवन देखा ही नहीं है। राष्ट्रपति भवन के पास पहले मुगल गार्डन था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक नंबर के आदमी है नाम बदलने में। मुगल गार्डन का नाम बदल के अब कर दिया अमृत उद्यान। क्या नाम कर दिया? पहले मुगल गार्डन एक महीना खुलता था, 14 फरवरी से 13 मार्च तक। कब खुलता था? मैंने तो कहा समझ में आ गया। अब उसको थोड़ी पहले खोलने लगे, थोड़ी लेट तक खोलने लगे, थोड़ा टाइम ज्यादा देने लगे ताकि लोग देखें। बहुत शानदार गार्डन है, बहुत शानदार फूल है। अब पहली बार इस साल से गर्मी में भी खुलेगा। उसके लिए उन्होंने ओपन कर दिया, टिकट ले सकते हैं। टिकट 0 रुपए की है, पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करवा के राष्ट्रपति भवन के पास मुगल गार्डन का नाम बदल के जो अमृत उद्यान किया गया है वहां पर जाकर के उस गार्डन को देख सकते हैं। मेरा सबको पर्सनली सजेशन है, हर एक बच्चे को जाना चाहिए, वो गार्डन देखना चाहिए। सुबह जाना चाहिए, यहां से 7:30 बजे की ट्रेन पकड़ो, नई दिल्ली से होकर के थोड़ी सी आगे जाती है शिवाजी ब्रिज उतरना, शिवाजी ब्रिज से पैदल चलते हुए सीपी में से घूमते हुए जाकर के और राष्ट्रपति भवन तक। तो दिल्ली में पैदल चल के उसको देखते हुए जाने का मजा ही कुछ और है। अमृत उद्यान तक 9 बजे पहुंच करके बड़े आराम से अमृत उद्यान घूमते हुए देखो, 10 बजे तक जब तक गर्मी हो उससे पहले देख लेना। बहुत शानदार फूल वहां होते हैं, बहुत शानदार पेड़ वहां होते हैं, देखने लायक चीज़ है। हम हर टाइम पर यहां से घर से बाहर निकल के जो कूड़े के ढेर हैं यही देखने के लिए पैदा हुए थे क्या? एक आधी बार अच्छी चीज़ भी देखनी चाहिए, हाँ या ना? किस किस की आंखें बहुत अच्छे फूल देख करके उल्टी कर देंगी, ये क्या दिखा दिया मास्टर ने आज। एक घंटा वो देख के वहां से निकलना चाहिए, उसके पास से होकर के गुजरोगे तो लोकसभा का नया भवन जिसको सेंट्रल विस्टा बोलते हैं, वहां से इंडिया गेट की तरफ का जो एरिया डेवलप किया है उसके पास में ही है नेशनल म्यूजियम। क्या नाम? वो होता है एसी हॉल, उसके अंदर हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जो बातें मिली है सारी उसमें, आर्यन जो पीरियड था वैदिक इरा जिसको बोलते हैं उस टाइम की सारी बातें, उसके बाद मगध काल सारा सब कुछ वहां मिलता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, अशोक के जो शिलालेख मिले, स्तंभ लेख मिले, वो सारी चीजों के सैंपल वहां पर हैं। वहां जाकर के देखने से तुम्हें एक भारतीय इतिहास का बोध होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि भारत ऐसा था। तो हर एक आदमी को जाकर के नेशनल म्यूजियम देखना चाहिए, 4-5 घंटे लगते हैं उसमें बड़े आराम से। थोड़ा सा देखें हॉल, फिर वहां बेंच भी होते हैं बैठे, थोड़ा सा फिर आगे बढ़े, एक दो हॉल और देखें फिर बैठे, कुछ खाने का ले जाएं खाएं, फिर थोड़ा आगे घूमते हुए उसको देख करके आना चाहिए, एक बोध हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. अगर तुम कहोगे वहां जाने से पहले कि सर आप हमें सारी बातें समझा दो, सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड क्या देखे, वैदिक काल से संबंधित क्या देखे, वहां क्या दिखेगा, अब फिर क्या दिखेगा, तो सारी बातें मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, वो तुम्हारी इस पढ़ाई में बहुत ज्यादा फायदा करेंगे। उसके बाद 3-4 बजे के आसपास से वहां निकलो, थोड़ी सी देर सीपी के गोल चक्रों में राउंड लगाओ और फिर वहां से शाम को ट्रेन पकड़ के शिवाजी ब्रिज से वापस और सीधे सोनीपत से अपने घर। मैंने जो कहा समझ में आया? जिस दिन तुम ये काम करके आओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल। नौकरी लगने के लिए एक चीज चाहिए ज्ञान, दूसरी चीज चाहिए कॉन्फिडेंस। क्या चाहिए? ये यहां से मिलता कॉन्फिडेंस बाबा रामदेव की दुकान पर रखी हुई पूड़िया खरीद के खाने से नहीं मिलता। जैसे 3 इडियट फिल्म में दिखाते हैं बंगाली बाबा का चूरण, तो बंगा जो साइलेंसर खाता था उसके बाद ठंडी हवाएं देता था। 3 इडियट फिल्म देखी है? Yes, सब ने? Yes, 3 इडियट फिल्म अपने जैसे लोगों में बैठ के देखनी चाहिए, जैसे क्लास के साथ बैठ के देख ले, तब मजा कुछ और होता, फिर हंसने में किलकी मारने में फिर ज्यादा मजा आता, या नहीं? हाँ, तो घर वालों के साथ देखते हैं और चतुर रामालिंगम उर्फ साइलेंसर बोला अगर आप टॉप नहीं हो सकते तो दूसरों को टॉप करने से बंद करो, तो मैगजीन पास करते हैं, हाँ या ना? तब अपने जैसे लोगों में बैठ के हंसने में मजा कुछ हो रहा था, हाँ या ना? जिस दिन रिजल्ट आता है तो कोई आदमी कहता है, हे शिवजी महाराज अब की बार पास करवा दे, हर महीने 100 रुपये चढ़ाया करूंगा, हे नाग देवता हर रोज दूध पिलाया करूंगा। एक जना कमाल का काम करता है, हे भगवान अब की बार पास करवा दे, सोनिया और कविता को बहन की दृष्टि से देखूंगा। तो ऐसे करने वाले लोग हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे किलकी तुम घरवालों के साथ बैठ करके इस डायलॉग पर मार ही नहीं सकते, मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो कुछ ज्ञान वर्धन करने के लिए घर से बाहर भी काम करने होते हैं, बहुत सारे दोस्तों के साथ हो सकते हुए, हाँ या ना? Yes, बहुत अच्छी बात है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पढ़ाऊं आगे थोड़ा? Yes,
नॉलेज क्या है, समझ में आया? वेरी गुड. चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग. बोल के दिखाना दोबारा. एक दूसरा, जो मन में है वही जबान पर और वही एक्शंस में. ऐसा करने से पता क्या होगा, फिर तुम सोचोगे ही बढ़िया. अगर इसके मन में बैठे बैठे यार ना इस तरह पेन बहुत बढ़िया, एक भाई पेन ने छोड़ गए ऊपर पानी पीने जा रहा मैं पेन ने लखो, अगर ये मन में चल रहा तो फिर ये अच्छा आदमी कैसे है? या उसको कह दे यार तेरा पेन बहुत बढ़िया, पेन दे दे. हाँ या ना? अब किसी का एक पेन दूसरे को पसंद आ जाए तो लेने में कहाँ दिक्कत है? दिक्कत है, पर चोरी करके नहीं. हाँ या ना? इसी को गिफ्ट परंपरा बोलते हैं. पढ़ाऊँ आगे? ये बात सबको आई? 80/3 आते ही क्या दिखना चाहिए? अगर इसको भाग करना पड़ गया ना तो फिर पेपर में पास नहीं होने. पहले तुम इस कंडीशन पे हो, इसको भाग करोगे. अब इस कंडीशन पर याद करके हो जाना चाहिए. इसको लर्निंग बोलते हैं, चेंज इन बिहेवियर. ऐसे लिखते हैं इसको 26/3. हाँ या ना? मैं आगे बढ़ूं? बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े. जल्दी पढ़ के दिखाओ. ए और बी का एक दिन काम बोलो. ए का एक दिन काम, बी का काम निकालने के लिए घटाना पड़ेगा. हर बराबर कर सकते क्या? ऊपर कितने से गुणा और नीचे कितने से लिखो, कितना? सबको आया? 3/12 - 1/12 क्या आया? का मतलब कितने दिन में? ये किसको नहीं आया? एक बार पूरा सवाल ध्यान से जल्दी जल्दी पढ़ो. ऐसे कितने लोग हैं जिसको ये नहीं आया समझ में? पक्का? आगे बढ़े. बहुत बढ़िया, एक बार पढ़ो. तीनों का एक दिन का काम बोलो. 1/4 ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम. ये बात समझ में आ रही है? ऐसे माइनस कर देंगे. सभी को समझ में आ रहा क्या? वेरी गुड. बोलना पड़ेगा सबको. आ गया? यहाँ क्या लिखो? तुम्हारे नाम का माइनस कौन बोलने आएगा? 36/4 36/18 36/12 आया? वेरी गुड. 9 - 2 गया और 3 गया. 1/2 का मतलब 9 नहीं, 1/9. कितने दिन में करेगा? अब किसको नहीं आया? पक्की बात है? बिल्कुल पक्की. आगे बढ़े. वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सवाल आ रहा है, ध्यान से पढ़ना है. ए बी सी का एक दिन काम, ए बी का एक दिन काम. अगर तीनों के काम में से 2 का काम घटा देंगे तो किसका बचाएगा? ऐसे बातें नहीं करनी तुम्हें. यहाँ क्या लिखूं और यहाँ? कितने दिन में करेगा? अब ऐसा क्लास में कौन है जिसको नहीं आया? बात पक्की? कोई डाउट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ूं? पढ़ के दिखाओ. ए और बी का एक दिन का काम, बी और सी का एक दिन का काम, सी और ए का एक दिन का काम. किसको नहीं आया? एलसीएम. बोलो ना. ए और बी ने लगाई, बी और सी ने लगाई, सी और ए को लगाई. ए ने कितने दिन काम किया और बी ने और सी ने? तो ये ए बी सी का एक दिन का काम आया, 2 दिन का. ए बी सी का एक दिन का काम बताओ. ए बी सी का एक दिन का काम सबको आया? किस किस का और दिया और यहां किसका? अगर इसमें से ये घटा दे तो किसका आएगा? सी का काम. 1/10 - 1/ एलसीएम बोलो, एलसीएम बोलो, बोलो ना. तो सी काम को कितने दिन में करेगा? कितने दिन में? सबको आया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात. ये किस किस का है? ये किस किस का? इसमें से ये घटाएं तो किसका आएगा? आया? बी का काम. 1/10 - 1/ एलसीएम बोलो ना.
तो बी कितने दिन में? बोल ही नहीं रहे आया। अच्छा बी सी का ले लिया तो एक आ गया। ये किसका आ गया? क्योंकि बी सी का घटा दिया मैंने। सबको आ गया? बी का निकालने के लिए किसका घटाना पड़ेगा? लिखूं क्या? हर बराबर है नहीं है, पहाड़े में है, क्या लिखूं इसको? बोलते ही नहीं, जल्दी बोलो। तो बी कितने दिन में? ये किसको नहीं आया? पक्का ए बी का दिया, बी सी का दिया, सी ए का दिया, तीनों का जोड़ा तो ए बी सी का दो दिन का आ गया। एक दिन का निकालने के लिए आधा किया तो ए बी सी का एक दिन का काम 1/10। अगर इसमें से ए बी का घटा दिया तो सी आ गया, बी सी का घटा दिया तो ए आ गया, सी ए का घटा दिया तो बी आ गया। किसको नहीं आया? तो ए काम को कितने दिन में, बी काम को, सी काम को? अब किसको नहीं आया? पक्का गया? बहुत ही अच्छी बात, सबको आ रहा है। इस सवाल को देख करके बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। एक लाइन बोलो, डरना सख्त मना है। दोबारा बोलना, जो लोग सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, वे अच्छे आदमी नहीं होते, वे लोग डरते हैं। हाँ या ना? अच्छे लोग क्यों डरे? बोलो, डरना सख्त मना है। ये 11 सही 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं? 100/2। ये किसको नहीं आया? ये क्या लिखा? इसको क्या लिख सकते हैं? 100/100। किसको नहीं आ रहा? और इसको क्या लिख सकते हैं? बोलते ही नहीं। अब जो कुछ लिखा होता इसका उल्टा लिखते ना हम, ए और बी का एक दिन का काम, और बी और सी का, सी और ए का, ये लिखना किसको नहीं आया? एलसीएम लूं या हर बराबर है? सीधा ही जोड़ दूं, 9 और 6 15 और 7 22 बटे 22 बटे। मैं पूछ रहा हूं, ये ए बी सी का एक दिन का काम है, दो दिन का, एक दिन का इसका आधा, नीचे गुणा 2 लिख दूं, इससे भाग कर दूं, ए बी सी का एक दिन का काम क्या है? ए और बी का क्या है? क्या सी का निकाल सकता हूं? 11/100 में से 9/100 घटाओ, बोलो ना का मतलब। 1/50 सी काम को कितने दिन में? एक बार ऐसे बोलो, नहीं आया। बड़ा अच्छा हुआ, हमें किसका निकालना है? सी और ए का घटाना पड़ेगा, ए बी सी का एक दिन काम और सी ए का, क्या इसमें से इसको घटा सकते हैं? बी का एक दिन काम, बोलते ही नहीं का मतलब, बोलो ना। तो बी ए काम को कितने दिन में? बोलते ही नहीं आया। किस किस का आ गया? किसका चाहिए? किसका घटाना पड़ेगा? बी सी का घटा दे दो, ए बी सी तीनों का एक दिन काम और बी सी का, तो ए का एक दिन काम का मतलब, तो ए कितने दिन में? ए काम को 20 दिन में, बी 25 दिन में और सी 50 दिन में। 20, 25, 50 सी सही उत्तर है। ऐसा कौन है जिसको अभी नहीं आया? आ गया। अब जो लोग क्लास में ध्यान से सवाल नहीं सीखते और मेरे ये पूछने पर, हाँ भाई किसको नहीं आया, बोला आ गया सर, उनको क्या कहें, अच्छे आदमी या गंदे? अब तुम गंदे आदमियों के साथ बैठोगे तो तुम भी गंदे, तुम अच्छे आदमियों के साथ बैठोगे तो तुम भी अच्छे। हाँ या ना? जिसको सवाल समझ में नहीं आया तुरंत बोलो, मेरे को नहीं आया जी। ये काटना नहीं, ये पहले इसको देख के तो ये 50/3 आता, इसको मैंने राजी खुशी करने के लिए सारे 100 100 100 आ जाए, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लिया। मैंने जो कहा समझ में आया? ऐसे हर बराबर करने के लिए 50 होता तो दिक्कत आती, तो हर बराबर कर दिया अगर हम कर सकते हैं तो। आया? एक और बात समझाता हूँ, बहुत छोटी सी बात समझाऊं। तुम कनॉट प्लेस में कहीं जाओ जिसमें आज तक एक बार भी गई नहीं हो, जैसे मैंने अमृत उद्यान की बात कही, आधे लोगों ने तो ऐसा प्लेन सिरे से ही खारिज कर दिया, कौन जो आगा उड़ा ऐसा मुख नहीं रहा, आंख बंद रखा, उड़ कौन जो आगा उड़ के मतलब ना जा, कतई तू जागा मैं भी ना जा, ऐसे लोग होते हैं, उनके पास अपने पास तो अकल है ही नहीं, अगर दूसरा देना तो भी नहीं लेते वे। हाँ या ना? तुम्हारा चुन तुम्हारा पुन, ये बात सुनी तुमने? क्या तुम्हारा नहीं, हमारा चुन हमारा पुन, बोलो आ देना जो, ऐसे अपनी छाती पर हाथ रखो, ऐसे बोलो मेरा चुन मेरा पुन। अब जो ऐसे नहीं करे वो कभी नहीं सुधरेंगे, वे लोग बेरोजगार आए थे बेरोजगार जाएंगे, जैसे तुम आए थे
उस पर नौकरी मिलती तो यहां कौन आता? पहली बात यह है, साफ साफ बातें करना, मुझे बड़ा अच्छा लगता। गधे आए थे, खच्चर बन के गए तो नौकरी लग गई। हमने कहा गधा खच्चर एक का चीज है, गधा आता 5 लाख रुपए का और खच्चर आता 10 लाख का, नहीं काम ज्यादा कम का मुझे नहीं पता। और गधा खच्चर एक का हूं बताओ, 3 चीजें होती, 3, एक गधा, एक खच्चर, एक घोड़ा, कितनी चीज होती है? क्या क्या तीनों में क्या डिफरेंस है बताऊं? तीनों में क्या डिफरेंस है? बड़ा अच्छा डिफरेंस है। जैसे मेक्सिको सिटी है, खाली पड़ा है, घर बनाना है, ट्रक आएगा सामान उतरेगा घर बनेगा, हाँ या ना? ट्रक आएगा सामान उतरेगा घर बनेगा। अब जैसे सेक्टर 14 है, सेक्टर 15 है, जहां अधिकतर घर बन गए, तो वहां ट्रक का सामान कहां उतरे? तो वहां ट्रॉलियों में सामान आएगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? फिर एक कोटमोला, यहाँ कोटमोला, आबादी आदमी जैसे देखें कोटमोला क्या है, अब जिनको कुछ पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊं उनको। अब कोटमोला में घर बनेगा ना तो सामान उतरेगा कहीं और, फिर गधे या खच्चर या घोड़े सामान को ऊपर पहुंचाएंगे। अब तीनों में क्या डिफरेंस है बड़े ध्यान से सुनना। गधा यहां सामान पड़ा है, ऐसे जाएगा, सामान उतारेगा, वापस आएगा। हर बार गधा एक निश्चित जगह पर रुकेगा, फिर उसका मालिक उसको एक डंडा खींच के मारेगा, फिर वो जाएगा सामान उतारेगा, फिर वापस आएगा, फिर सामान लदवाएगा, फिर वहीं खड़ा होगा, फिर डंडा खाएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर सामान लदवाएगा, फिर वहां जाएगा, फिर डंडा खाएगा, फिर जाएगा। हर बार डंडा खा के जाएगा गधा। खच्चर सामान लदवाएगा, यहां खड़ा होगा, डंडा खाएगा, जाएगा, वापस आएगा, सामान लदवाएगा, खड़ा होगा, डंडा मारने जैसे ही चलेगा वैसे ही भाग जाएगा, सामान उतारेगा, वापस आएगा, फिर वहीं जाके खड़ा होगा, फिर गाली खाएगा, फिर जाएगा। ये गधा डंडा खा के जाता है, खच्चर गाली खा के जाता है, फिर सामान उतारेगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे। कहीं पर ऐसे सामान ढो रहे हो ना तो चेक कर सकते हो, 100% करेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब घोड़ा सामान लदवाएगा, भागा जाएगा, सामान उतारेगा, फिर रेस करेगा थोड़ा, फिर आएगा सामान लदवाएगा, फिर भागा जाएगा, बीच में बोझ नहीं मरेगा। मैंने जो बोला समझ में आया? इस प्रकार की कुछ महिलाएं भी गाँव में होती हैं। दो हेल का गोबर एक हेल में भरेंगे, बिल्कुल मर गई। अब रास्ते में कोई सी उस पर पूछेगी, आई न्यू सुनिए फलाना हो गया, टकराव गई है वो, ए मैं तो गोबर गिर का हूं थी, पर बताऊं ये हो गया वो हो गया, तू बताइए किसे था, ठीक है मैं चलूं गोबर गिर का ना, ए सुनो यह बात वहां सर पर बोझ धरे 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 धरे, कदे न्यू खड़ी होगी, कदे न्यू खड़ी होगी, कदे न्यू होगी। उसने कहा ना जब लेना चालू हूँ, जाकर ना इसका बाल कहा पापा होगा ना, उस रोटी देनी है चालू। अच्छा तो न्यू बताए पूरा खड़ी खड़ी आधा घंटे तक बात कर लेगी, हाँ या ना? हर एक गाँव में ऐसी 2-4 महिलाएं हो सकती है, कोई भी देख लेना ऐसे, मैं तो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? उनका कंपैरिजन भी तुम ढूंढ सकते हो, हैं? सही नहीं है? तेरी मम्मी ऐसी है? बहुत बढ़िया, इसकी मम्मी ऐसी होती ना तो ये यहां पर नहीं रहा होता, इतनी बात सीधी मान के चलो। ये सत्य घटना है, गधे अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, गधे गधा ही बनाते हैं। इस कॉमन सेंस की बात, गधे का बच्चा क्या होगा बताना? और गधे थोड़ी आते हैं यहाँ, गधे से थोड़ी सी ऊपर की क्वालिटी होती खच्चर से नीचे की। बहुत अच्छी बात, इब भी मेरे कर लिखा है, इब के तरह कपड़े करके दिखाऊंगा। काम और समय का चैप्टर समझ आ गया या नहीं आया? मैं तुम्हें कह रहा था सवाल एक बार समझ में ना आए तो दिल पर नहीं लेना। जैसे किसी जगह तुम कनॉट प्लेस में गए तो पहली बार जाओगे तो 100 सवाल हैं, दूसरी बार जाओगे तो 50 रह जाएंगे, तीसरी बार जाओगे तो 25 रह जाएंगे, चौथी बार रह जाओगे तो जाओगे ना तो 2-3 सवाल रहेंगे, छठी 7वीं बार रहोगे तो कोई सवाल नहीं। मैंने जो कहा समझ में आया? जब तुम नौकरी का पेपर देने जाओगे उससे पहले तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पेपर देने जाने से पहले तुम्हारे पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पेपर में तो देख लेंगे क्या, जिसको टाइम एंड वर्क आता है, टाइम डिस्टेंस आता है, इंश्योरेंस आता है, मैथ आता है, तो कैसे नहीं देख लेगा पेपर को? मैंने जो कहा समझ में आया या नहीं आया? पेपर आते ही धड़कन बढ़ती है, पेट में गड़बड़ होने लगती है, कुछ को ज्यादा नींद आने लगती है, कुछ को कम, कुछ को भूख ज्यादा लगने लगती है, कुछ को कम, डिसऑर्डर बनता है बॉडी के अंदर जैसे जैसे पेपर नजदीक आएगा, और फिर लगता है 3 दिन और मिल जाते ना तो ये कर लेते, तो अभी 3 दिन मिले हुए, 4 दिन मिले हुए, 3 महीने मिले हुए, आराम से पढ़ो। जो अब नहीं पढ़ रहे ना तो फिर वहां पर जाकर के मामला गड़बड़ होगा। एक एक बात को एक बार करने से हो सकता है भूल जाओ, तो बार बार रिवाइज करना। फिर ऐप के ऊपर सारी वीडियोज हैं, मैंने जो बोला समझ में आया? और जब तुम रिवाइज करोगे ना तो तुम्हें अच्छा एहसास होगा। ये बातें तो तुम 2-3 दिन में भूल जाओगे, सारी बातें किस किस को याद रहेंगी बताना 2-3 दिन बाद?
तीन दिन पहले मैंने जो जो घटनाएं बताई थी किस किस को याद है, सब भूल जाते हैं, फिर अटके याद आऊंगे, फिर ऐसे हो गया, हाँ हाँ हाँ, फिर देखोगे तुम अब भी गधे हो या खच्चर हो लिया या खच्चर से ऊपर निकल लिया, हाँ या ना? Yes, sir. बोलो ना, वेरी yes, गुड. नौकरी लगने जाओगे तब दो चीजें तुम्हारे पास चाहिए पेपर पास करने के लिए, नंबर एक नॉलेज और दूसरा कॉन्फिडेंस. दूसरा कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस तुम्हारे घर वाले दूध में कितना ही बॉर्नविटा डाल डाल के पिला ले बढ़ ही नहीं सकता, ये घर से बाहर आता, हाँ या ना? वेरी गुड. कॉन्फिडेंस के बाद पर एक आदमी लिखा अमेरिकन, ऐसे कौन कौन सोच रहे हैं, बिल्कुल सच सच बताना, बोला हमने तो चाहिए नहीं है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हम क्या करेंगे इसका, एक आदमी वो मारे तो पहले ना हो. अब बता तो दिया दिल्ली अमृत उद्यान देख के तब बढ़ेगा, एक आधी बार कच्चे क्वार्टरों में जाकर के जो सामान ना लेना हो ना उसके झंगड़े मार का ही है दुकानदार की गेल, उसने बेचना है तो ना लेना नहीं है, कंपटीशन है, अगर वो बेच गया तो उसमें स्किल्स ज्यादा है तो ना खरीदा तो मामला सही है, काम नहीं करके ला रहे तो इनका नाम लिख ले, कल वाले हैं इनमें है? कल वाले हैं, कल वाली एक लड़की है, बस एक लड़की लता है कोई, एक बार जल्दी आ जा, कल भी काम नहीं कर रही थी और आज भी नहीं कर रही, हाँ तो आज कर लेंगे ना, इधर आ, तो कल भी काम नहीं करके लाई आज भी नहीं करके लाई, इधर भाग के इधर इनकी तरफ, यहाँ खड़ी हो इनकी तरफ, ऐसे कहे मन ना कुना नौकरी लग रही ऐसे मुकर ऐसे करके कहीं पर है किया है तो फिर इन्हें कार्ड क्यों ले लिया आज, अच्छा दो तीन क्वेश्चन आए थे, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू, ऐसे किया कर काम है, बैठ जाओ,